की यात्रा करो, अशुभ यात्रा करो, मार्ग उस मार्ग में अवैध खनन और उस अवैध खनन को रोकने बाजी तुम ये मंसूर हो रहा उसको नहीं, अवैध खनन को रोकने के लिए पूरा साधु समाज पूरे 4 साल से आंदोलनरत है। और सरकार को भू माफिया खनन माफिया का इतना दबाव इस सरकार का है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और उससे आखिर परेशान होकर चेतावनी देने के बाद 15 दिन पहले चेतावनी दी इस तारीख में, फिर भी सरकार ने कोई कदम उठा नहीं किया। तब एक सन्यासी को प्राण त्याग करने पड़े, उसके बाद सरकार को अपनी वहाँ पे कुछ सारी शिकायतों का समाधान हो गया हो ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार को लेके मुख्यमंत्री जी बार 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 करते जीरो टॉलरेंस की बहुत होती है। जिस दिन शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में राजस्थान भर से सम्मानित होने वाले शिक्षक आए हुए थे, उनके सामने मुख्यमंत्री ने पूछा कि भाई आप लोगों को ट्रांसफर के लिए पैसे तो नहीं देने पड़ते ना, तो सारे शिक्षकों ने एक आवाज़ में कहा कि देने पड़ते। शिक्षा मंत्री की मौजूद के मुंह पे एक तरह से थप्पड़ मारा, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाले नीति अपना रहे, तो ये एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार जो सरकार है वो सरकार अपने कोष से गिरेगी, अपने कर्मों के कारण उससे गिरेगी और खुद ही अपने सारे जिम्मेदार होगी पतन के लिए। ये सरकार खुद ही पतन की तरफ अग्रसर हो रही है। भारत सरकार जनहित में जो जो काम कर रही है उसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिला, उसका पूरा प्रयास हमाशा योजना इसी धरती से पैदा हुई और सारे देश ने उसकी तारीफ, प्रधानमंत्री जी ने उसकी तारीफ करके पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। हमारे मुख्यमंत्री ने उसको भी नकारा, हमाशा योजना को भी नकारा, आयुष्मान भारत को भी नकारा और फिर वसुंधरा जी का नाम नहीं रह जाए, भाजपा का नाम नहीं रह जाए, मोदी जी का नाम नहीं रह जाए, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग योजना लॉन्च की। वो लॉन्च वो योजना शुरुआत में तो फट गई, अब थोड़ी बहुत चलने लगी है कहीं कहीं पर, लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान राजस्थान के प्रवासी, राजस्थान के प्रवासी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में और बिगड़ तो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे। कोरोना के लॉकडाउन के समय भी उन प्रवासियों की भावना को समझने में राजस्थान सरकार नाकाम रही, उनको कोई सहयोग नहीं कर पाई और अब भी इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोई प्रवासी कवर नहीं होगा क्योंकि राजस्थान से बाहरी योजना है। यदि उनको आयुष्मान भारत का लाभ दिया होता तो वो मदुरई में बैठा भी इलाज ले सकता, कोयंबटूर में बैठा भी इलाज ले सकता, केरल में बैठा भी ले सकता, बंगाल में बैठा भी ले सकता, लेकिन वो लाभ उस लाभ से उनको वंचित किया गया आयुष्मान भारत योजना राजस्थान में लागू नहीं करके। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया, मैंने खुद ने उठाया, उसके बाद सरकार चेती है, रिस्पॉन्स को नोट किया और अब उन्होंने आदेश दिया है कि आयुष्मान भारत कवरेज करो। ये राय दुरुस्त है लेकिन उनको करना पड़ा। ऐसी हालत उन्होंने किसान सम्मान निधि के साथ की, समय पर डाटा उपलब्ध नहीं करवाया, 1 साल हम पीछे रहे। बाकी देश में किसान सम्मान निधि 1 साल पहले शुरू हो गई, राजस्थान को 1 साल बाद मिली क्योंकि उन्होंने डाटा उपलब्ध नहीं करवाया भारत सरकार को, और जो करवाया वो भी आधा आधा। अब भी या तो उनका अकाउंट नंबर गलत देख लेंगे, एक डिजिट को गलत कर लेंगे या आधार कार्ड अलग कर लेंगे और एक यहाँ जन आधार और एक डाल रखा है वो और डालो और कहीं नहीं जाना, सिर्फ रखना आधार और अकाउंट नंबर 2 पर्याप्त होता है, या जन आधार और डालो, तीनों में से किसी की एक डिजिट इधर उधर हो गई किसान मंच। इस बार मैंने एक विधानसभा प्रश्न लगाया था, राजस्थान भर में ऐसा हुआ लेकिन मैं जालौर जिले को लेकर लगाया था, ये कृषि आदान सहायता मिलती है हर किसानों को, यदि बारिश में कुछ कमी ज़्यादा हो कमी बेची हो जाए या आधा बेची हो जाए तो कृषि आदान में 13,500 रुपये किसान को मुआवजा जैसा कुछ मिलती है। मैंने प्रश्न लगाया कि कितने लोग वंचित रह गए जालौर जिले में, 41,000 किसान वंचित रह गए सिर्फ इसलिए कि उनका खाता नंबर सही नहीं दिया, उनका आधार नंबर सही नहीं दिया। ये जानबूझ के ऐसा कुछ किया जा रहा है कि लाभ नहीं देना पड़े किसानों को और पैसा सरकार के खजाने में बच जाए
और ये सारा और खासकर भारत सरकार की योजना में विशेष रूप से किया जाता है ताकि राजस्थान सरकार भारत सरकार के वाहवा ही नहीं हो जाए। ये इस सबसे बहुत आतंकित है। भारत सरकार से जो काम हो रहे हैं, भारत सरकार से पैसा आ रहा है, जलजीवन मिशन में पैसा आ रहा है, आधा पैसा भारत सरकार का, आधा राजस्थान सरकार को लगाना है, राजस्थान सरकार का पैसा उसकी योजना लंबी है और पैसा लगाना नहीं पड़े हमको, इसलिए जान बूझ के दोनों फायदे उनके हो रहे हैं, एक पैसा राजस्थान सरकार का लगाना नहीं पड़ा और मोदी सरकार के वाहवा ही नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने जान बूझ के उन योजनाओं को लंबित किया जा रहा है। अधिकारियों को कहा जा रहा है धीरे चलो धीरे चलो, ताकि इस राजस्थान में पानी का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। खासकर मैं रेगिस्तान से आता हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ भी मैनेजमेंट की समस्या है, लेकिन जल जीवन मिशन इतना महत्वाकांक्षी मिशन सफल नहीं हो रहा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान सरकार उसको लेकर उदासीन है और बदनीयति से उसको विलंबित कर रहा है। ऐसे ही भारत सरकार से जो फसल बीमा योजना, उसका जो फसल बीमा का प्रचार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो वाहन गाँवों में भेजे हैं कृषि विभाग के माध्यम से, वाहन भारत सरकार योजना भारत सरकार, और उस पर बैनर लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं, फोटो सिर्फ मुख्यमंत्री का, वाहवाही सिर्फ राजस्थान सरकार, पैसा भारत सरकार का, वाहवाही राजस्थान, कैसे नरेगा हो रहा है, पैसा भारत सरकार का, वाहवाही राजस्थान सरकार के, भारत सरकार का नाम नहीं होता। ये सारे राजनीतिक एक हल्केपन की निशानी है, जिसका इन्होंने बहुत एक बड़ा उदाहरण लोकल साहब ने पेश किया है। भारत सरकार की सारी योजनाओं के जो राजस्थान को जो लाभ दे रही है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, भारतमाला जो योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जल जीवन मिशन है, बड़ी बड़ी योजना है, योगी योजना है, राजस्थान की जनता को बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन इन सब के बारे में उदासीनता जो राजस्थान सरकार की चल रही है, पदनियति से वो जो विलंबित करने का प्रयास कर रहा है, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सिर्फ संख्या के बल से नहीं, व्यवस्थाओं के बल से भी। हमारे राजस्थान में लगभग 52,000 कुल बूथ हैं, उनमें से 50,000 के आसपास बूथ ऐसे हैं हमारे, जिनमें हमारी बूथ इकाइयों के फोटो युक्त रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है, केंद्रीय कार्यालय आ चुका है, इतना संगठन हमारा एकदम चाक चौबंद तैयार हो गया है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि राजस्थान सरकार रिपीट नहीं होगी, कांग्रेस इसमें हारेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े भारी बहुमत से आएगी, तो उसमें सिर्फ हम कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस के फेल्योर के भरोसे नहीं, हमारा संगठन भी पूरी तरह से तैयार है और हम सकारात्मक प्रयास पूरी तरह से करने में लगे हुए हैं। ये जन आक्रोश यात्रा जो चलेगी, इसमें हर बूथ तक हमारा एक संदेश जाएगा और सरकार कांग्रेस सरकार के नकारात्मकता भी हम उजागर करें और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में शासन है उसकी सकारात्मकता और संकट का जो स्वरूप हमारा मजबूत स्वरूप हमारे पूरे प्रांतों में है उसका भी एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा और उसके कारण हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी और 2024 में प्रधानमंत्री फिर से भारत में मोदी जी के नेतृत्व से भारत में सरकार बनाएंगे, ये निश्चित रूप से होने वाला है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और राजस्थान की जनता का मूड, राजस्थान का माहौल सब कुछ एकदम साफ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए बिल्कुल आश्वस्त हैं कि एक साल बाद सब कुछ ठीक होगा और इस कांग्रेस को अपने अंतर्कलह के कारण, अपने कुकर्मों के कारण सत्ता से बाहर होना पड़ेगा और पिछली बार में जितनी बार ये हारे हैं पूरी तरह से अशोक गहलोत के नेतृत्व में, 2003 में ये 156 पर आए थे, 2013 में ये 21 पर ही रह गए थे, इस बार 2023 में उससे भी नीचे जाने वाले, इससे इसमें कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं लगती है। मित्रों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही निवेदन करूँगा कि जिस तरह के क्राइम हुए, क्राइम में आज भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं है वो राजस्थान, और बेरोजगारी भी है ना, ये बेरोजगारी की बात करते हैं केंद्र के ऊपर बोलते हैं, मैं कहता हूँ बेरोजगारी में भी राजस्थान प्रथम नंबर पे, राजस्थान की सरकार ने दिए क्या बेरोजगारी में कहीं रोजगार? अरे टीचर के अध्यापकों की जगह खाली है, प्रिंसिपल की जगह खाली, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और कॉलेजों में नहीं है, स्कूल है
में प्रिंसिपल नहीं है और स्टूडेंट तो बोल रहे हैं, कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, भले आए छात्र या पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन केवल नाम मात्र का श्रेय लेना चाहते हैं। आज गाँव में कितना आक्रोश है, तीन तीन चार चार पंचायतों में एक एक सचिव लगा हुआ, एक क्यों नहीं की बढ़ती, चार चार पटवार मंडल के ऊपर एक एक पटवारी लगा, जनता में भयंकर आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रकटीकरण करने का काम हम कर रहे हैं। हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से जनता की उन बातों को सरकार के विरुद्ध इकट्ठी करके और उनके खिलाफ जो है, हमने जैसा भी आपने बताया श्वेत पत्र या जो भी हम जारी करेंगे वो करके और जनता को ये भी बताएंगे कि ऐसे दुख की घड़ी में कांग्रेस आपको तकलीफ दे रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके साथ जुड़ी हुई है, आपकी बातों को लेकर के हम आक्रोशित हैं, इसका हम प्रकटीकरण करने के लिए आपको